ओम शांति। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2024 में भाग लेने का मुझे मौका मिला, जिसमें दो कैटेगरी बनाई गई थी, एक ओपन कैटेगरी और दूसरी 45+ कैटेगरी। मैंने ओपन कैटेगरी में अप्लाई किया और हमारे गजेंद्र भाई साहब ने 45+ कैटेगरी में थे, तो हम दोनों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया, जो शांति वन के मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स से ऊपर पांडव भवन तक जाता है। 21 किलोमीटर की ये मैराथन थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक 3.5 घंटे के अंदर पूरा किया है। और इस मैराथन का उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, आपसी प्रेम और भाईचारे का मैसेज देना था, जिसमें देश विदेश से सभी रनर्स ने भाग लिया है और लगभग इसमें 2000 रनर्स दौड़े। और इसके लिए मेडिटेशन ने विशेष मुझे हेल्प की। मेडिटेशन के द्वारा मैंने ये सफलतापूर्वक अभ्यास किया और मेडिटेशन मैराथन को पूरा किया। मैं वी के जितेंद्र शांति। आज शिव वरदान भवन में जो मैराथन दौड़ दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में मधुबन के अंदर माउंट आबू में आयोजित की गया, 21 किलोमीटर दौड़ने वाले जो भी धावक है उनमें से हमारे अजमेर का नाम रोशन करने वाले गजेंद्र सिंह जी और जितेंद्र भाई जो हैं वो भी 21 किलोमीटर तक दौड़े और उनको वहाँ से एक मेडल प्राप्त हुआ और एक सर्टिफिकेट भी वहाँ से शांतिवन से इनको प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर पहुँचकर भी इनका स्वागत है यहाँ शिव वरदान भवन में। ब्रह्मा कुमारी जो शिव वरदान भवन की संचालिका हैं रूपा बहन, उन्होंने भी यहाँ पर इनका ढोल बजाकर स्वागत किया और उनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया। और यहाँ पर हमारे चौरासिया जी हैं जो स्पोर्ट्स विंग के हैं, वह भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी उनका भव्य स्वागत किया, उनको शॉल उड़ाई और उनको माला मोमेंटो भी भेंट किया। अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप इनसे भी रूबरू होइएगा। मैं अशोक चौरसिया, NIF वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक, खिलाड़ियों का, भावकों का, जिन्होंने मैराथन में हमारे अजमेर का नाम किया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने यहाँ आया था। मैंने उनका अभिनंदन किया, उनको मोमेंटो और शॉल उड़ा करके उनको बधाई दी। थैंक यू, धन्यवाद।